पाठ शाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोग का पाठ शाला ज्ञान ऑफिशियल चैनल में। यहां पर हम लोग पढ़ कर रहे हैं गेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सेट 1। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT तिरची। 10 क्वेश्चन होंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, मजा ही आ जाने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे कॉलेज रिव्यू चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे कॉलेज रिव्यू चैनल सिद्धार्थ लाइव को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यू मिल जाएंगे। कोई डाउट आए तो हमें हमारे जो पाठशाला ज्ञान gmail.com वाला मेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो जाइए वहां से मेल कर दीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये सारी PDFs आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और हमारी टीम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आती रहती है। जुड़े रहना है, बने रहना है, देखते रहना है पाठशाला ज्ञान। चलिए थर्ड वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग अपना 21 नंबर क्वेश्चन। एज पर कॉमन डिजाइन प्रैक्टिस, 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्लो रेट आर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है मतलब बड़े से छोटे क्रम में फ्लो रेट की निकालना है तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा फ्लो रेट होता है कैपलान का, फिर फ्रांसिस का, फिर पेल्टन का। तो आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेचुरल फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द स्प्रिंग मास सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड आर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज। देखिए ये क्या है, ये k है, ये क्या है, ये भी k है। ये दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो इसका k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/k इक्विवेलेंट आएगा 1/k1/1/k2। ये वाला सिस्टम कैसे है, पैरेलल में है, तो इसका k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, k1+k2। ठीक है, अब पहला सिस्टम दूसरा सिस्टम दोनों निकाल लिया, निकल आया तो इसका आ गया ky2, इसका आ गया 2k। अब आपको पता है ओमेगा एन होता है √ky n, तो फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 हो जाएगा √ky2m, सेकंड के लिए हो जाएगा ओमेगा 2 हो जाएगा बराबर √ 2ky m 1/2 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फॉर हाइड्रोडायनेमिकली एंड थर्मली फुल्ली डेवलप्ड सिमिलर फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन, द नसर्ट नंबर एट कॉन्स्टेंट वॉल हीट फ्लक्स NEQ एंड दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर NUT आर रिलेटेड टू। तो ऑलवेज NU की ग्रेटर देन NUT बिकॉज नसर्ट नंबर की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स के केस में 4.36 होती है और टेम्परेचर वाले केस में 3.66 होती है, तो ए आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। द टेबल प्रेजेंट्स द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बाई सिंपल 3-month मूविंग एवरेज मेथड, द डिमांड फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज। देखो क्या बोला है, सिंपल 3 months मूविंग एवरेज लेना है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको फोरकास्ट ऑफ सेप्टेम्बर करना है तो लास्ट के बस 3 महीनों का आप एवरेज ले लो, क्योंकि इसने बोला भी है 3-month मूविंग एवरेज। ठीक है, 4 बोलता तो 4, अगर सारा बोलता तो सारा, तो 495 + 475 + 560 / 3, इससे जो वैल्यू निकल गया है 510 वैल्यू निकल कर आने वाली है। ठीक है, वही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो। द लेंथ विथ एंड थिकनेस ऑफ स्टील सैम्पल आर 400 mm, 40 mm एंड 20 mm। क्या दिया है, लेंथ दिए, विद दिए, थिकनेस दिए। थिकनेस नीड्स टू बी यूनिफॉर्मली रिड्यूस्ड बाई 2 mm इन अ सिंगल पास बाई यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल स्लैब मिलिंग। मिलिंग का बहुत याद रखा करो, मिलिंग से क्या होता है आपका जो अप्रोच लेंथ होती है वो हर मिलिंग के लिए अलग होती है, फेस मिलिंग के लिए अलग, स्लॉट मिलिंग के लिए अलग, स्लैब मिलिंग के लिए अलग, हॉरिजॉन्टल मिलिंग के लिए अलग, वर्टिकल के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होता है अप्रोच लेंथ। ठीक है, फॉर्मूलाज भी अलग अलग हैं। मिलिंग कटर का डायमीटर दिया है 100 mm, विड्थ दी है 50 mm, हैज़ 20 teeth एंड रेट्स 1200 rpm। देखो टीथ कितने दिए, 20 rpm, 1200। फीड पर टूथ निकाला है 0.05 mm। फीड डायरेक्शन इज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द सैम्पल, इट्स ओवर ट्रैवल डिस्टेंस इज सेम एज द अप्रोच डिस्टेंस। क्या है, जो ओवर ट्रैवल डिस्टेंस है वो अप्रोच डिस्टेंस के बराबर है, तो अप्रोच डिस्टेंस बताओ, टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड मशीनिंग टास्क बताओ, टाइम कितना ले रही है थिकनेस 2 mm कम करने के लिए और ओवर ट्रैवल कितना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ओवर ट्रैवल का फॉर्मूला होता है स्मॉल डी कैपिटल डी माइनस डी अंडर रूट, तो अंडर रूट 200 - 2 निकल आएगा 14 mm। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी निकल आएगी, टोटल डिस्टेंस निकल आएगी 400। आपको पता है जो अप्रोच, देखो 400 जो लेंथ है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, अप्रोच प्लस ओवर ट्रैवल, तो दोनों ही 14 14 है, बोला था ओवर ट्रैवल एंड अप्रोच बराबर है,
तो 2 × 14 428 आ गया। टेबल फीट निकाल लो, फॉर्मूला होता है एफ इंटू जेड इंटू एन। एफ होता है एम एम पर टूथ, ये होती है टीथ, ठीक है, और एन हो गया आरपीएम। रख दिया 20.05 इंटू 12/60, आरपीएम को आपने सेकंड में बदलोगे, टेबल फीट 20 आ गया। मशीनिंग टाइम कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ अपॉन 20, 21.4 सेकंड। ठीक है, आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 21.4 एंड बी, ठीक है, बी आंसर मैच कर गया। अगला क्वेश्चन, इन अ कास्टिंग प्रोसेस द वर्टिकल चैनल थ्रू विच मोल्डन मेटल फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम द पोरिंग पोर्शन टू रनर फॉर रीचिंग द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड। देखो क्या होता है, हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है, तो ये होता है पोरिंग बेसन, ये होता है हमारा स्प्रू, ये होता है हमारा रनर, यहाँ इसके आगे लगा होता है गेट, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। तो वर्टिकल कौन सा एरिया है, स्प्रू है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से, तो स्प्रू इज द आंसर। As per teeth of full 20 degree full depth, teeth is transmitting power 20 kilowatt at 200 radian per second. Power हो गई है, ये ओमेगा हो गया। The pitch circle diameter of a gear is 100 mm दिया है। Magnitude of force applied on the gear in a radial direction पूछा है। याद रखो जो force होता है transmitting force वो होता है F cos phi। Radial force जो ऊपर से एक thrust produce करता है वो होता है F sin phi। तो यहाँ से FR by FT करोगे इट विल कम आउट टू 10 phi, समझ गए, इतना तो समझ में आना चाहिए, सिंपली मैं बता दूं अगर। अब आगे देखो, पावर से हम क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। तो पावर रखो 20 किलो वाट, 20 × 10³ टी इंटू 200 ओमेगा, टी निकाल लिया, टी कितना होएगा, टॉर्क होता है हमेशा फोर्स ट्रांसमिट इंटू रेडियस, तो एफ टी निकालना है, टी 100 है, रेडियस हमें दी गई थी, डायमीटर 100 mm दिया था, तो उससे 50 mm हमारी रेडियस हो गई, बाई 1000 एफ टी निकल आया 2 kN, 2 kN एफ टी निकल आया, तो 2 kN बाई एफ आर बराबर, सॉरी या इसको उल्टा कर लो, एफ आर बाई एफ टी कर लो, है ना, और एफ टी बाई एफ आर करोगे तो आपका कॉट हो जाएगा 5, यहाँ पर 10 phi हो जाएगा, बात वही है, कॉट 20 रख लो, एफ टी बाई एफ आर, 2 यहाँ रखा, एफ आर निकाला 0.73 kN आंसर आ गया। ठीक है, आंसर विल बी बी। 28 क्वेश्चन, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप विद अ वेलोसिटी गिवन बाय वी 4/T + x + y j, देख लो j, अभी इसका j का ही खेल है, बहुत लोग उड़ गए इस चक्कर में, ठीक है, 2019 में j इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y, t ग्रेटर देन 0 इज इन सेकंड, x एंड y आर इन मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सीलरेशन एट द पॉइंट xy बराबर 1.1 एट t बराबर 2 सेकंड इज कितनी वेलोसिटी, टी बराबर 2 सेकंड पे निकालना, एक्स वाई 1.1 दे दिया। देखो जे दिया है तो इसका मतलब ये है, आई और के नहीं दिया है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये सिर्फ बचा ना, तो एक्सीलरेशन सिर्फ जो वाई डायरेक्शन में हो और एक्सीलरेशन जो लोकल है टाइमिंग की वजह से, टाइम की वजह से, तो ए वाई प्लस टी, ठीक है, तो आप सिंपली देखो ये टोटल है यहाँ पे, और यहाँ पे ए टी भी आएगा, ठीक है, चलो ये जे केस में निकला है, तो फॉर्मूला लगाया ए वाई का, कितना हो गया, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी वी बाई डी वाई प्लस डब्ल्यू डी वी बाई डी जेड अपॉन डी वी बाई डी टी, तो वी की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया, डी वाई डी वाई करोगे तो सिंपल सी बात है, ये वाला टर्म भी जीरो होगा, आपका ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जो होगा ये वन बन जाएगा, ठीक है, प्लस डेल वाई डेल टी करोगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे और ये बन जाएगा -4/T² की आगे वैल्यू, है ना, वैल्यू रख दो 1.1 t/2 रख दो, आंसर निकल आएगा 3, यही तुम्हारा आंसर हो गया 3। चलो अगला क्वेश्चन 29, अ सिलेंडर का रॉड डायामीटर 10 mm लेंथ L इज फिक्स्ड एट वन एंड, द अदर एंड इज ट्विस्टेड बाय एन एंगल 10 degree, क्या है, सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड है, ट्विस्ट कर रहे थे हम लोग, 10 degree ट्विस्ट हो गई, डायामीटर दिया है 10 mm, लेंथ दी है हमारी 1 meter, है ना, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन इन द रॉड P × 10⁻³ है, क्या है P × 10⁻³, तो P की वैल्यू बतानी है क्या होगा, देखो शेयर स्ट्रेन बराबर होता है टाउ बाई जी, और टॉर्जनल इक्वेशन से होता है टाउ बराबर आर बराबर होता है जी थीटा बाई एल, अगर यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो ये आ गया शेयर स्ट्रेन बाई आर बराबर थीटा बाई एल, थीटा को क्या करो रेडियन में बदल लो, 10 × π/180 π/18 आ गया, आर तुम्हारा 5 mm हो गया, डी तुम्हारा 10 mm हो गया, रख दो,
गामा अपॉन 5 × 10⁻³ पाई बाई 18, एल की वैल्यू 1 हो गई, गामा बराबर तुम्हारे निकला है 0.87 × 10⁻³ आंसर। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, क्योंकि 10⁻³ × 10⁻³ की फॉर्म में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग अ हाई साइकिल फटीग टेस्ट अ मेटेलिक स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू अ साइक्लिक लोडिंग विद अ मीन स्ट्रेस ऑफ 140 MPa एंड मिनिमम स्ट्रेस ऑफ -70 MPa। आर इज द रेशियो ऑफ मिनिमम स्ट्रेस टू द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ अ साइक्लिक लोडिंग। ठीक है, मीन स्ट्रेस दिया है तुम्हें, मिनिमम स्ट्रेस दिया है। सुनो, मीन स्ट्रेस होता है सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाई 2 बराबर हो गया 140। ठीक है, समझ गए। और सिग्मा मिन दिया है -70 MPa। यहाँ से तुम निकाल के सिग्मा एक्स निकाल सकते हो, इसको यहाँ पुट करने के बाद 350। तो सिग्मा मिन बाई सिग्मा एक्स कितना निकला है, -70 / 350 -0.2 आंसर हो गया। यही बस इतना ही लेक्चर था। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को वॉच करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लाइक करे बिना मत जाना, चले जाना, पाप लगेगा। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, है ना। वीडियो की अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जो हमारा ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन में। डाउट्स वगैरह हैं पाठशाला ज्ञान ऑफिशियल पे पूछ लीजिए। और बने रहिए अपने पाठशाला ज्ञान चैनल के साथ, जुड़े रहिए, देखते रहिए।